ये है सजलपुर जो कुदरत के नजारों में वाके है और जहां जादव और माने नाम के दो घरानों में पुराना बैर चला आ रहा है। एक दिन सजलपुर के बाजार में अरे लड़की सुनती है हटती नहीं, अरे सुनती नहीं, छोटे सरकार आए हैं। आए हुए तो क्या हो गया, छोटे सरकार के बाप का रास्ता है, कोई गंवार मालूम होती है। जी यही तो मैं कह रहा हूँ। गंवार किसे कहता है, तू जानती हूँ मैं कौन हूँ? जाने मेरी बला, मैं हूँ राया रंगा जी सरदार का बेटा। और मैं हूँ सोनी बुद्धा महाराज की बेटी। पिताजी कहते हैं मैं लाखों में एक हूँ एक। और मेरी माँ कहती है तुम जैसी तो कोई लड़की ही नहीं, बड़ी चालाक मालूम होती हो, मैं तुम पर खुश हूँ, बोलो क्या चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लंगोर जैसी शक्ल को यहाँ से दूर ले जाओ, मेरा अपमान कर रही है। चलिए कहीं की कहाँ थी इतनी देर से? माँ देखो ना मुझे मेरा बाल पकड़ रहा था। सोनी सोनी बड़ी हीरोनी मुझे बोला तुम फंसते हो, अभी जल्दी चल। माँ लेकिन मुझे खिलौने लेने हैं। फिर बाद में लेना, अभी चल तेरे पिताजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाय हाय बेटा तो ऐसा है कि बाप को भी भुला। बड़े हो जाओगे तो खानदान का नाम जरूर रोशन करोगे। ए, जी मुझे गुड़िया दो, गुड़िया घोड़ा दो, घोड़ा गाड़ी दो, गाड़ी ये दो वो दो। लाओ हाँ छोटे सरकार सारी दुकान ही ले जाइए। छोटे सरकार आप यहीं ठहरिए मैं अभी आता हूँ। जाओ बड़ी चलो जल्दी करो, अभी लो सरकार लाना वो देना। तू यहाँ कैसे आया और वो भी ऐसी हालत में? झगड़ा हो गया, जान बचा कर चला आया। देखो आज के रात तुम मुझे यहीं कहीं छुपा दो। छुपा दो? हाँ डरते क्यों हो, तुम्हारा मालिक तो एक ही है। और है लेकिन सरकार इन सबके सामने तेरा नाम भी ना लेंगे वरना समझ लो कि गए काम से। सरकार राम प्रभु की मान। बटुआ जी सरकार कौन है ये? यही तो मैं कह रहा हूँ सरकार, न जाने कौन है। सरकार मैं शुक्रिया भी आपका नौकर। सरकार छूटा कहीं का, मैंने तो आज तक तेरी शक्ल भी नहीं देखी। ठीक है बिरादरी से निकाले हुए तुम भी लोग हमारे सरकार के नौकर कैसे हो सकते हो? सरकार आप ये ठीक नहीं कर रहे, मैंने जिंदगी भर आपकी खिदमत की है, अगर इस बार आपने मेरी सहायता की खामोश बंद कर। अरे क्यों खामखा सरकार का वक्त जाया कर रहा है, जानता नहीं हमारे सरकार सजलपुर के मालिक है। मालिक काश तुम जैसे निर्दय की बजाय बुजवा महाराज जैसे देवता हमारे मालिक होते। हाँ हाँ भाइयों बुजवा जैसे गुनी मुश्किल से मिलते हैं। बुजवा महाराज देवता है, देवता बुजवा बुजवा तुम हमेशा बुजवा क्यों गाते रहते हो? मेरे टुकड़ों पे पलने वाले जलील इंसानों कान खोल कर सुन लो, सजलपुर की गद्दी कब से माने खानदान की हो चुकी है, यहाँ का सिर्फ एक ही मालिक है और वो मैं हूँ। पिताजी पिताजी मैंने सब खिलौने खरीद लिए और मेरे बाद मेरा बेटा राया मेरी आंखों का तारा लाखों में एक। एक गंवार भी तू जो कोई भी हो और इस गांव से चला जा वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अगर शकरिया में जरा भी चलने की ताकत होती तो अभी तेरा खिलाफ दबा देता। तेरी इतनी जरा बुला अपने भुजबा महाराज को बचाने के लिए। भुजबा खूब सजलपुर की पेशवाई निभा रहे हो रंबाजी, एक घायल के जख्म पर नमक छिड़क रहे हो। चलो जानकी इस बिचारे का इलाज करें। जख्म धोने के लिए पानी ले आओ। बेटा तुम वहां से होता क्या ले लो, पीछे रख दो।
बिटिया, पापी शक्रिया के सर पर एक नेक आदमी का हाथ है। अब मैं जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। महाराज, मैं आपके साथ और तो क्या, हमारे पुरखों से चली आई हुई ये तावीज अगर आज्ञा दे तो ये छोटी सी भेंट में बिटिया को दे दूं। ये जिसके गले में होती है उस पर कोई आफत नहीं आती। जरा बाल तो ठीक करने दे। माँ जल्दी करो ना, देर हो जाएगी। देर हो जाएगी तो क्या, रंबा जी तुझे चबा जाएगा। माँ तुम तो समझती नहीं हो, भला मुझे क्या पड़ी है कि रंबा जी या उसके सपूत की चिंता करूं। इसका तो मुझे भी पता है, मगर आज बंठन की कहाँ चली, घाघरा चोली जेवर। माँ आज नागपंचमी है ना। सो तो है, पर आज जा कहाँ रही है। झील की ओर, वहाँ चंपा कमला नीला सब कोई आने वाली है, बल्कि आ भी चुकी होंगी। बस बस अब सब ठीक है, माँ मैं जाऊँ। अच्छा अच्छा, फिर जल्दी आना माँ। देखे तो चला कर। बाबा मैंने आपको देखा नहीं था। मेरे देखा जानकी, तुम्हारी बेटी तो पूर्णिमा के चांद से भी ज्यादा सुंदर लगती है। अब ये बच्ची नहीं है, अगर इस तरह इसके मुंह पर बातें करोगे तो न जाने तुम्हारी लाडली अपने आप को क्या समझने लगी। माँ मुझे तो हर बात की चिंता करने की आदत पड़ गई है। आखिर बेटी किसकी है। हम दोनों की। फिर क्यों रे शरबती, तू भी मेरे साथ जाना चाहता है ना। लेकिन तेरा मेरा क्या साथ, तेरे तो पंख है, जहाँ जी चाहे जा सकता है। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं घोड़े पे जा रहा था, न जाने तुम बीच में कहां से आ गई। तो मैंने तुम्हें इन मौके पे बचा लिया। ओ, तो तुमने मुझे बचा लिया। अरे तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मेरा खात्मा हो जाए, वो तो मेरी किस्मत थी जो मैं गिर गई। अजी साहब, किस्मत का तो पता चल जाता, राजपूत को तुम पर तरस आ गया। चली सखियों के पास, वो इंतजार कर रही है। अजी मैं छोड़ा हूँ, सुना है सजलपुर की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, इस बहाने से देख भी लूंगा। जी सुंदर ही नहीं, मिजाज की बड़ी तेज होती है। परदेसी मालूम होते हो। जी हाँ, परदेसी शिकारी। शिकारी? अरे हंस क्यों रही हो। ना तुम्हारे पास बंदूक है ना तीर कमान, शिकार कैसे खेलते हो। कोई नए किस्म के शिकारी मालूम होते हो। अभी तो जरा ठिकाने देख रहा हूँ, कल से शिकार शुरू कर दूंगा। अरे तो तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, अगर तमाशा देख रहा है तो बाहर जाओ, ये रास्ता सीधा वहीं जाता है। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। लेकिन आज रंभाजी महाराज के सपूत तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, कौन वो राया
सुनाएगा सबका हसीन लड़का है। जी हाँ बड़ा ही हसीन, बिल्कुल लंगूर जैसी शक्ल है उसकी। सिर्फ दुम की कसर है? जी नहीं, वो तो हमेशा उसके हाथ में रखती है तुम्हारी तरह। नमस्ते। सुनो तो अगर तुम्हें देर हो रही हो तो अपने घोड़े पे छोड़ा हूँ। तुम मुझे घोड़े पे ले जाओगे? तुम्हारे जैसे चार को ले जा सकता हूँ। पर देखी बातें बनाना खूब जानते। घोड़ा चलाना ज्यादा अच्छा जानता हूँ। सच? राया से भी? आजमा लो, राया से कम नहीं रहूंगा। सोनी को क्या हुआ अभी तक नहीं आई? अरे पगली बन ठल रही होगी, दांतों में मिट्टी, आंखों में काजल, हाथों में मेहंदी लगाती हूँ। अरे वो देखो आ गई। अरे ये सोनी किसको पकड़ रही है? तो बड़ा सुंदर। क्या हुआ सोनी, क्या चोट लग गई? चल अरे मैं सबको जानती हूँ कहाँ चोट लगी है। दिल में आ रहा है? दिल में नहीं, कलेजे में लगा। तो क्या मैं जा सकता हूँ? अच्छा तो शिकारी जी नमस्ते। 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 अच्छा मैं सब कुछ समझ गई। क्या समझ गई? घोड़े पे जा रहा था एक दिन कोई शिकारी, दरख्त पर था एक पंछी, जमीन पर थी ये मतवाड़ी। कमा से तीर निकलते ही उड़ गया वो पंछी, तीर गिरा जमीन पर घायल हुई ये लड़ाई। मर्दान की जिसमें है वो है नहीं कोई भिखारी, मारे अपने शिकार को सिर्फ वो है सच्चा शिकारी। अरे वाह, पगड़ी पहन के तुर्रा लगा के अकड़ने ही लगा। पगड़ी पहन के तुर्रेदार अकड़ता क्यों है? पगड़ी पहन के तुर्रेदार अकड़ता क्यों है? हमसे न तुम झगड़ना गाँवों की छोरियों, देखो भागो यहाँ से कालियो गोरियों। फिर ना कहना हमरा सरदार, फिर ना कहना हमरा सरदार बिगड़ता क्यों है? पगड़ी पहन के तुर्रेदार अकड़ता क्यों है? हमको ना तुम समझना शहर की चोरियां जी, शहर की चोरियां पीछे हमारे तू बेकार, पीछे हमारे तू बेकार। पगड़ी पहन के तुर्रेदार अकड़ता क्यों है? तुम जैसी लाखों मेरे पीछे फिरी है, मेरे कदमों पे आके रो रो गिरी है। कहती थी हमसे वो दिलदार, हाय दिलदार, कहती थी हमसे वो दिलदार बिछड़ता क्यों है? कहती थी हमसे वो दिलदार बिछड़ता क्यों है? दादा तू गरूर से मत होश, तेरे गुम कर देंगे होश। जा जा भाग जा भाग जा जा भाग जा।
वो अभी तुम में से पहले किसको जवाब दूं? अगर तुम्हें देता हूं तो आप बिगड़ती हैं, अगर आपको पहले जवाब देता हूं तो खैर मेरे ख्याल से तुम्ही को पहले जवाब देना चाहिए, क्योंकि सब में से सबसे ज्यादा सुंदर तुम ही हो। अच्छा तुम्हें कहां से आ रहा हूं? मैं बहुत सुंदर जगह से आ रहा हूं, जहां मैं था मेरे साथ ही बहुत सुंदर परी थी। परी? हाँ पूछिए इसे। क्यों रे सोनी? सोनी 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 बड़ी ही रोनी। ये तो सिर्फ राया ही कहा करता था। तो तुम राया हो? सोनी, गुस्सा करने से तंदुरुस्ती पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और फिर ऐसी सुंदर लड़की पर गुस्सा कुछ जस्ता भी नहीं। छोड़ दो मुझे जाने दो। चली जाना, ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ी और गालियां तो देती जा रहा है। लोग से बात करना भी अपना अपमान समझते हूँ, चौरस का मजाक उड़ाता हूँ। और तुमने जो अपना दिल बहलाने के लिए मेरा मजाक उड़ाया, मेरी हंसी उड़ाई, वो कुछ नहीं। और तुम्हें एक औरत का दिल दिखाते हुए कभी ख्याल नहीं आया किसी के अरमान? मैं नहीं जानता अरमान कैसे मचलते हैं, दिल कैसे तड़पता है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ उसे हासिल करके ही रहता हूँ। भगवान जाने मैं तुम्हें क्या समझ बैठी थी। सोनी सोनी बड़ी रोनी, मुझे रुला के हंसते हो। वो छोटे सरकार आ गए। आ गए? हाँ आ गए। बड़ी राधी खाई सरकार ले जाओ गोरे बाबू पे। देखा, मैंने ना कहा था लाखों में एक है एक। जैसा सुना था वैसा ही पाया, अनमोल हीरा है हीरा। बड़ी देर कर दी तूने, ये ना सोचा कि हाथ तेरे इंतजार कर रहे होंगे। बात ये हुई पिताजी कि फिटर लेकर वो स्टेशन पर तो आया था, कौन था क्या उसका नाम? मैं मधुबाली। हाँ यही सोचने के बाद है पिताजी, इतने सालों के बाद न सजलपुर आया, सोचा कि घर तो जाना ही है तो क्यों ना उसका पहले अपनी और अपने पुरखों की जन्मभूमि को प्रणाम कर लिया जाए, इसलिए चारों ओर सजलपुर को नमस्कार करता हुआ इधर आ रहा हूँ। कितना आदर्श ख्याल, लबों से मोती गिर रहे हैं मोती। जीते रहो बेटा जीते रहो। अरे देख क्या रहे हो, आज सजलपुर का होने वाला पेशवा आया है, नाच रंग शुरू किया जाए। का नाच देखी। हाँ भाई ना कौन शिकरिया फील की लड़की भाई जान नाचती है, अफसरा है सरकार अफसरा। हाँ तो फिर उसे क्यों नहीं बुलाया? अरे उसे कैसे बुलाते,
शिकारी अकेले तो दुश्मन बन बैठा है, अगर उसे यहाँ बुला था तो बड़े सरकार। यही तो मैं कहता हूँ, मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ, मगर बड़े सरकार को खबर न हो वरना। Thank you.
पैरों के चार होते देर नहीं लगती। दिल बेपरार होते देर नहीं लगती। सब लोग यहां से चले जाओ। मधुआ, अरे हाथ से बात क्या करता है ना, मुंह से बात कर। खरमाश कहां जाता है? आप ही के हुक्म के तो तामील कर रहा था। तू यहां क्यों आया और ये कौन है? ये बड़े ही सज्जन हैं, बड़े धनवान हैं। धनवान होंगे अपने घर के, मगर ये है कौन? यही तो मैं कह रहा हूं, बड़े धनवान हैं अपने घर के। मधुआ जी, डरता क्यों है? साफ साफ क्यों नहीं बताता? मैं हूं राया, रंभाजी सरदार का बेटा। राया? हाँ राया, हम नाच देखने आए थे, नाच देखा और साथ साथ तुम्हारा स्वरूप भी। यह है उसकी कीमत। हम अपने दुश्मन की दी हुई दौलत को जानते हो तुम किसका अपमान कर रहे हो? नहीं, जो बीच में दखल दिया। तुम्हारा अपमान किया है। फिर भी मैं ये नहीं चाहता मेहमान मरकर आए हुए दुश्मन का खून बहाया जाए। लेकिन ये याद रहे, आइंदा कभी भी माने खानदान के किसी आदमी ने यहाँ कदम रखा तो कसम है देवी की, उसका सर, ये मेरा सर, देवी के चरणों में भेंट होकर ही रहेगा। जा, चले जाओ यहाँ से। मधुआ जी, सरकार इन गवारों को मूला का नाम शोभा नहीं देता। चलो, यही तो कह रहा हूं सरकार। रायना, ये जानते हुए भी कि भुजवा महाराज हमारे पेशवा हैं, अगर फिर कभी तू इससे मिली तो याद रख, तुझे अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। और ना जाने वो अपने आप को क्या समझता है। मैं नहीं जानता अरमान कैसे मचलते, दिल कैसे तड़पता है। मैं तो जो चाहता हूँ हासिल करके ही रहता हूँ। और फिर जब मेरी आंखों में आंसू आ गए
बचपन की बात सुना दी। कहने लगा, सोनी सोनी बड़ी ही रोनी। लेकिन शरबती, अगर कोई मुझे सताए तो मैं कर भी क्या सकती थी, औरत जो ठहरी। लेकिन मौका आने दे शरबती, एक बार उस घमंडी से बदला ना लिया तो मेरा नाम सुनी नहीं। अरे शरबती से क्या बकबक कर रही है? माँ कुछ भी तो नहीं। अरे पगली, आनंद बंबई से आ रहा है। सच? आनंद बाबू बंबई से आ रहे हैं? माँ माँ क्या तुम सच कह रही हो, आनंद बाबू बंबई से आ रहे हैं? तो क्या ये चिट्ठी मैंने बंबई जाके डाक में डाली थी? तो माँ मैं स्टेशन जरूर जाऊंगी। जाएगी कैसे, गाड़ी तो तेरे पिताजी हरिपुर ले गए हैं। गाड़ी पिताजी ले गए तो क्या हुआ, स्टेशन ना सही पर मैं नाके तक तो जरूर जाऊंगी। 5 साल बाद वो वापस आ रहे हैं, क्या वो मुझे देखते ही पहचान लेंगे? माँ सूरत तो काफी बदल गई है, शायद ही जो पहचाने। तो माँ मुझे वो बनारसी साड़ी, वो जरीदार चोली और हाँ वो झुमके जरूर निकाल देना जो आनंद बाबू ने मुझे दिए थे। चलो ना माँ जल्दी करो। अरे राम राम राम, कितना चोर मचा रही है, जैसे बम्बई से बड़ा गवर्नर आ रहा है। बड़ी तकलीफ ली तुमने मेरे लिए? तकलीफ? हाँ, मेरा इंतजार कर रही थी ना। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ से गुजरने वाला हूँ? मुझे क्या गरज पड़ी है जो तुम्हारा इंतजार करूँ? याद है तुम्हें मैंने उस दिन क्या कहा था? याद रखे मेरी बला। मैंने उस दिन कहा था मैं जो चाहता हूँ उसे हासिल करके ही रहता हूँ। अच्छा बहुत मजाक हो चुका, अब नीचे उतरिए। नहीं उतरते, जाओ। राय ने आज तक किसी का इनकार नहीं सुना। तो लगाए मामूली बात है, लाओ। ये क्या बदतमीजी है? सोनी तो इतनी सी थी, इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई? और ये सूरत तो देखो। अरे मैं तो ये कह रहा था जैसे कि हंसता हुआ गुलाब। बंबई से जो भी आता है बस एक ही रात सुनाता है, क्या वहाँ कोई औरतें नहीं होती? या सबके सब बसूरत ही होती? अरे पगली, वहाँ तो एक से एक अप्सरा पड़ी है, तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। एक आध ब्याह लाना तो देख लूं। सोनी देंगे या कुछ घर के लिए भी रहने देंगे? चलिए मैं इंतजार करेंगे। चलो भाई गाड़ी वाले। गला बैठ गया, लेकिन सरकार है कि सुनते ही नहीं। रायना हाँ गुस्ताखी माफ कीजिए, लेकिन इस घोड़े पे से नीचे तो उतर
बातें करते हुए जरा तकलीफ होती है। अच्छा, ये ले, और क्या चाहती है? चाहती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन अभी इतना ही कहूंगी। आप हमारे यहाँ आए और मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा आना तुझे बुरा लगा? सरकार, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो अपमान हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। सच? अगर मुझे अफसोस न होता तो आपको देखकर इस तरह क्यों पुकारती? मैं तो समझता था तू सिर्फ सुंदर नाच सकती है, लेकिन तू तो अपनी बोली में भी सुंदर है। मौका आने दीजिए, सिर्फ बोली ही में नहीं कर्तव्य में भी सुंदर हो जाऊंगी। पर शरीर ये सब तुम्हारी जादू का असर है। क्या हो गया आपको? मुझे तेरे पिता की धमकी याद आ गई। वो मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुझे तकलीफ पहुंचे। मेहरबानी कीजिए, मेरा डेरा यहाँ से बहुत दूर है और मेरे पाँव में मोच आ गई है। क्या आपका ये घोड़ा मेरा भी बोझ उठा सकता है? इतने दूर से भाग कर आई तब पैर ठीक थे और इतने में मोच आ गई? जी, ये गम्बक कुछ पैर ही ऐसे हैं, अक्सर मोच आ जाती है। ओहो, ये कोई नई बीमारी मालूम होती है। अरे अरे, आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मेरे सामने सर क्यों झुका रहे हैं? वो औरत आज तक पैदा ही नहीं हुई जिसके सामने राय का सर झुक सके। पैदा तो जरूर हो गई होगी, लेकिन ये कहिए कि आपको आज तक मिली ही नहीं। आप गुस्से में भी कितने बड़े मालूम होते हैं। अच्छा, अब मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा चल। आनंद बाबू, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो इधर से गुजर रहा था, यहाँ की सुंदरता ने रोक लिया। कितनी सुंदर जगह है, मुझे तो यहाँ की हर चीज कुछ याद दिलाती। जी चाहता है हमेशा यहीं बैठी रहा करूँ। जरा देख कर आया क्या? मुझे डर है कहीं कोई इस फूल समझ कर तोड़ ना ले। आनंद बाबू। अच्छा अच्छा, अब फिर चल। अच्छा तो मास्टर जी, आज आप कौन सी किताब में से सबक पढ़ाएंगे? सोनी, जो सबक जीवनशाला से हासिल होता है वो कोई किताब नहीं दे सकती। ये कौन आ रहा है? मैं क्या जानू। नमस्ते। नमस्ते, आप क्या चाहते हैं? मेरा घोड़ा प्यासा है, थोड़ा पानी चाहिए। बड़ी खुशी से। आपका शुभ नाम? मैं हूँ राया, रंबाजी सरदार का बेटा। हम जादू घराने के हैं, हमें रंबाजी के घर से कोई मतलब नहीं, चलो यहाँ से। जाता हूँ, धमकाते क्यों हो? चलो बेटा। सोनी, ये तुझे क्या हो गया? धमकाने की बात नहीं है, यूं ही मुंह से निकल गया। ना समझ है ना? इसमें ना समझ की क्या बात है? यहाँ से गुजर रहा था, घोड़ा प्यासा था, सोचा कि पानी पिलाता चलूं। पानी और भी जगह मिल जाएगा, इतनी बड़ी नदी जो पड़ी है।
लेकिन तुम हमारे द्वार आए हो, इस तरह नहीं जा सकते। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं खुद ही पिला लूंगा। मुझे जिंदगी के हर हसीन चीज पसंद है। तो ले जाओ, अपने घर ले जाओ। तो कहां, माने खानदान का सपूत आज पहली बार हमारे घर आया है, खाली हाथ कैसे जाएगा। सोनी बेटा इधर आओ। इन्हें शरबती दे दो। दे दो बेटा। कितना प्यारा नाम है। लेकिन इसकी अच्छी तरह देखभाल करना, वरना ये दिली दिल में उदास होकर अपनी जान गंवा देगा। आप फिक्र नहीं कीजिए, मेरे भाई से कोई तकलीफ ना हो। तो तेरा है, जानता है मैं तुझे यहां क्यों लाया हूं। नहीं जानता इसलिए कि सोनी तुझे याद करे, और वो अकेली जब तुझे याद करेगी तो उसे राया का ख्याल भी करना पड़ेगा। भाई तुम हो बड़े समझदार, बिल्कुल अपनी मालकिन की तरह। जान दो शब्द आज तक किसी औरत को औरत न समझा, न जाने कितना हसीन चेहरे उसकी जिंदगी में आए और थोड़ी देर रहकर चले गए। लेकिन ये तेरी सोनी है ना, न जाने उसने क्या कर दिया। अच्छा तुम अब आराम करो। रायना का संदेशा? हाँ, इसे तुम पुराने मंदिर में बुलाया, तो वो तुमसे मिलना चाहती। अच्छा तुम नीचे जाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ। मुझे क्यों बुलाया? आखिर ऐसी जल्दी भी क्या है, सब कुछ बता दूंगी। राया इंतजार का आदि नहीं,
होगी। किसकी मोहब्बत? सरकार। लायला, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझसे मोहब्बत करने में तुम्हारी जान का खतरा है। वो मोहब्बत है क्या जो खतरे से डर जाए? पागल ना बनो रायना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी मोहब्बत का अंजाम एक औरत के खून के अर्थों में लिखा जाए और मैं खामोश रहकर ये रंगीन तमाशा देखता रहूं। रायना, अगर तुम्हारे पिता के कानों में उसकी भनक भी पड़ गई तो वो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार देगा। अगर तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। तुम्हें कैसे समझाऊं रायना? मुझे जंगली समझकर मेरी हंसी न उड़ा। सबका हम दोनों ऐसी जगह चले जहां मेरे और तुम्हारे सिवा कोई न हो, कोई न हो। Thank you.
जादूगरनी। क्यों इसी तरह पांव का नाम रोशन किया जाता है? सोनिए तूने क्या किया? क्यों मेरी रातों की नींद और दिन का चैन मुझसे छीन लिया? तू बेचारा भी तो मेरी तरह रात भर मोहब्बत के आग में जलता रहता है और दुनिया सोचती है तू परवानों को जलाकर खुश होता है, लेकिन वो तेरे तड़पने को नहीं देखते, तेरे दुख को नहीं समझते। देख, रात को तो तू मेरा साथ दे सकता है, लेकिन दिन में तुझे खामोश होना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके मेरा संदेश सोनी को पहुंचा दो। जा मेरा दोस्त। क्या उड़ा रही है हवा में? जी कुछ भी तो नहीं, वो कबूतर था ना मेरे हाथ में, उसी के पास होंगे। अच्छा रात ही में मुझसे मिलना चाहते हो। तुम क्या जाने कि मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। तुमको अच्छी तरह जानते हुए भी मैं अपनी जिंदगी से जुआ खेलूंगी। सोनी तुम आ गई, मुझे डर था कि तुम नहीं आओगी।
इरादा तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन जब तुम्हारी पुकार कानों में सुनी तो दिल ना माना। और अगर बाबा जाग उठते तो क्या होता? तो फिर तुम नहीं आती? अब कह डालो ना किस लिए मुझे बुलाया है। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन तुम्हें देखकर सब कुछ भूल गया। शिकार करके उसे बनाना खूब आता है तुम्हें। जो खुद शिकार हो चुका हो वो क्या किसी को बनाएगा। सोनी, तुम मेरी सारी दुनिया पर छा गई हो, मेरी रग रग में समा गई हो। और कितनी औरतों से ऐसी बातें की हैं? भगवान जानता है, इस तरह किसी से नहीं। सोनी, मैं आज तक औरत और उसकी मोहब्बत को हकीर जानकर हंसी उड़ाता रहा, अपने दिल बहलाने का खिलौना समझता रहा, लेकिन मैंने तुम्हारी नाव में क्या जादू भरा है जिसने मेरे गुरूरों का मन को खाक में मिला दिया। सोनी, क्या मेरी मोहब्बत स्वीकार करोगी? जवाब दो सोनी। तुम्हें तो सिर्फ रुलाना ही आता है। सोनी सोनी, बड़ी ही रोनी। मुझे रुलाते हंसते हो। क्यों, मजा मिल गया प्रेम करने का?
अभी तूने देखा ही क्या है? जी आ रहा है, आज उसकी मौत उसे यहाँ ला रही है। बाहर की जी सरदार, बहन औरतों को फुकी रास्ते से बाहर निकाल दो। चलो चलो जल्दी करो। चलो मेरे बाहर लो। आकार घर चले जाओ, ये मेरा काम है, मैं खुद ही निपट लूंगा। मगर सरदार, हम आपको किस तरह अकेला छोड़ सकते हैं? आपकी जान का खतरा है। मेरी फिक्र मत करो, जान की बाजी जान से खेलना एक भील के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। समय बीता जा रहा है, जल्दी करो। देवी ने चाहा तो जीत हमारी होगी। वो रहा शक्रिया भील, हजलपुर की बरादरी से बाकायदा बाहर निकाला गया था, फिर भी यहाँ आने की हिम्मत की है इसने। मुझे बाहर निकालने वाले तुम कौन हो? अरे जानता नहीं, हमारे सरकार हजलपुर के मालिक है। मालिक हमें माने खानदान से कोई वास्ता नहीं, हमारे मालिक तो भुजवा महाराज है। You seem to be very desperate. So he does. तुम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, वरना बुरा होगा। सुपरटेंडेंट साहब, सीधी उंगली घी नहीं निकलेगा, चला दो ना गोली। रंभा जी, मैंने तुम्हारे बेटे के सामने कसम खाई है। कसम? कैसी कसम? वो ये कि माने खानदान के किसी भी आदमी ने आकर यहाँ कदम रखा, वो देवी के चरणों की भेंट होकर ही रहेगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। क्या कर रहे हो तुम? अरे बाप रे, कहा यार कहीं का मर्द है तो सामने आ जा। सुब्रन साहब, ये पागल मेरी जान लेकर रहेगा, इसका कुछ जल्दी उपाय कीजिए। मैं तुम्हें दो भी नहीं देता हूँ, जब तक मार जाओ। रंभाजी का इस दुनिया में रहने का वक्त गुजर चुका। जाओ। वेरी गुड सर। चलो
कथा स्वीकार करो। रंभा जी को मारने आया था। राम प्रभु की माया। यही तो मैं कह रहा हूँ सरकार, कुत्ते की मौत मरा है। बहादुर था। क्या मजा मिलता है तुम लोगों को इंतजार कराने में। टहलते टहलते इन बिचारी टांगों को चुमर निकल गया और आंखें पथरा भी, दिल बैठने लगा, दम घुटने लगा। बातें बनाना तो कोई तुम मर्दों से सीखे। देखो दो घड़ी के लिए तो तुम यहाँ आती हो और वो भी बहस करने के लिए। बहस मैं कर रही हूँ तुम? काश भगवान तुम मर्दों को सिर्फ एक दिन के लिए औरत बना दे, तब पता चले। फर्ज करो भगवान ने तुम्हारी बात मान ली तो क्या करोगी तुम? वो गिन गिन के बदले लूंगी कि तभी साफ हो जाएगी तुम्हारी। तो अब कौन सी कसर उठा रखी है? जिसे इंतजार करना पड़ता है वही जानता है। इंतजार में जो मजा है वो भला मिला आपने कहा। अच्छा जी, तो आप इंतजार का मजा उठाइए और मैं ये चला। नमस्ते। मेरे दिल की नजरिया में आना ना के जाना, मलंग पर देसिया दिल तड़पाए मोहे चैन ना आए मोहे, एक झलक दिखलाना दिखलाना। मेरे दिल की नजरिया में आना ना के जाना, मलंग पर देसिया दिल तड़पाए मोहे चैन ना आए मोहे, एक झलक दिखलाना दिखलाना। क्या हुआ?
सोनी क्या सोच रही हो? अरे कुछ बताओ भी, क्या बात है? राया, कहीं तुम्हारी मोहब्बत अपने पिता की मुखालफत के सामने झुक तो ना जाएगी? नहीं सुनी, मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं जो किसी भी मुखालिफत के सामने झुक जाए। क्या देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूं कि कौन इन फूलों पर अपनी सुंदरता की रोशनी डालकर इनको खूबसूरत बना रहा है। कौन है वो? तुम नहीं जान सकती। आप महाशय तो जान गए ना? कुछ क्यों सा? तो फिर हमें ही बता दीजिए। इन सब के सामने अब ये चल गए तो क्या हुआ? अपनी जान जगाएंगे, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? तो फिर बता दो। अब हम नहीं पूछते। अरे सुने सुने, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। सोनी, हम नहीं बोलते आपसे। सोनी, अरे पगली, मेरी सोनी किसी और कौन हो सकता है? झूठे कहीं के, ये यकीन नहीं आता? नहीं? अच्छा तो पूछ इस फूल से। ये तो यही कहेगा कि कांटों से बचकर रहना वरना मैं खून पीकर छोड़ूंगा। बच्चा को नहीं, अच्छी नहीं। सो तुझे क्या हुआ? आनंद को आए हुए भी कितने दिन हुए? जल्दी बात पक्की करोगे या उसके लिए भी मंगल ज्योति को बुलाना होगा? अरे तो बिगड़ती क्यों है, आजकल मैं कर लूंगा। कल आपने एक शेर सुनाया था ना? कौन सा शेर? वही मदा बारिश अगर चाहू मेरी आंखों में आ बैठो। माँ, ये क्या मीठी मीठी बातें हो रही हैं? ये कोई खास बात तो नहीं है, मैं तो ये कह रहा था कि आज का दिन बहुत अच्छा है। दिन तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये तो बताओ कि वो शुभ दिन कब आएगा? कौन सा शुभ दिन माँ? बड़ी नादान है तुम्हारी दादी, तुम ही समझाओ ना। समझा दूंगा, आखिर ऐसी जल्दी भी क्या है? ना, तुम ही बताओ ना, आखिर किस बात की जल्दी है? जबकि तुम दोनों के हाथ पीले होंगे, फेरे पड़ेंगे और तुम दोनों ईश्वर और दुनिया की नजर में एक हो जाओगे। अरे अरे अरे, मैंने आपकी कोई बात नहीं डाली, लेकिन मैं जानबूझकर सोनी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। सोनी राय से मोहब्बत करती है, फिर किस तरह मैं उसके साथ शादी कर सकता हूँ? सोनी का ब्याह राय से कभी नहीं हो सकता, वो हमारे दुश्मन का लड़का है। हम किसी के दुश्मन नहीं है। हाँ माँ, अगर सोनी का ब्याह राय के साथ हो जाए तो मुमकिन है कि सदियों का बैर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुम्हारी तो मत मारी गई है, ऐसे बच्चलन के हाथ में
किस तरह हम सोनी का हाथ दे सकते हैं? लायक कितना ही बुरा सही, लेकिन सोनी की पाक मोहब्बत उसको सीधे रास्ते पर डाल सकती है। हम तैयार भी हो जाएं, लेकिन रंबा जी कभी नहीं मानेगा। इसका पता भी चल जाएगा। रंबा जी के दिल में राय के लिए बेहद मोहब्बत है। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? मैं खुद रंबा जी के पास जाता हूँ। एक तरफ बेटे की मोहब्बत है और दूसरी तरफ जन्म जन्म का पैर। देखता हूँ इस कश्मकश में किसकी हार होती है और किसकी जीत। राम प्रभु की माया, भुजबा महाराज पधारे, न जाने आज चांद किधर निकल आए। आइए आइए, मेरे तो भाग जाग गए। भगवान करे हम सबके भाग जाग जाए। आप महाशय की बातें जरा ऊंची किस्म की होती है। तशीफ रखिए, मेरी समझ में तो आज तक ना आई। जो बात तुम्हारी समझ में नहीं आई वो राय कब का समझ चुका। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? मैं राया और सोनी की खुशी की भीख मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ इन दोनों का ब्याह हो जाए। ब्याह? मेरे लाडले का ब्याह तुम्हारी छोकरी के साथ? भुजबा, पहली मर्तबा सजलपुर के पेशवा के घर आए हो ऐसी बेहुदा बातें सुनाने के लिए? मैं कोई बेहुदा बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सोनी और राया की मोहब्बत पाक है तो हमारा पुराना झगड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और इसका पुण्य तुम्हारे नसीब होगा। पाप और पुण्य की आड़ लेकर अपनी छोकरी को मेरे लाल के सर मारना चाहते हो? मुझ पर गुस्सा होने से पहले अपने बेटे से क्यों नहीं पूछ लेते? राया मेरा बेटा है, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। या तुम? वो कभी सोनी जैसी छोकरी से महबूत नहीं कर सकता। बस कीजिए विदाई। ये सच कह रहे हैं, मैं सोनी से मोहब्बत करता हूँ। राया तू पागल तो नहीं हो गया? मैं पागल था, अब होश में आया हूं। सोनी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। पिताजी, सोनी को अपनी बहू बनाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा? अगर ज्यादा जबान चलाई तो इसी हंटर से तेरे खालो देख दूंगा। धीरे करिए महाराज। खामोश! बाप बेटे के बीच में बोलने वाला तू कौन? राया, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, एक न एक दिन तो सजलपुर का मालिक बनेगा। माने खानदान की इज्जत और सजलपुर की बागडोर तेरे हाथ में होगी। क्या ये सब कुछ तू धूल में मिला देना चाहता है? नहीं तो फिर सोनी से हाथ उठा ले। और कुछ मांग लीजिए पिताजी, मैं अब सोनी को धोखा नहीं दे सकता। अगर तूने सोनी का ख्याल दिल से न निकाला तो खुद इस घर से निकाल दिया जाए हमेशा के लिए। जैसे आपकी मर्जी। राह, जो तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं वही तुम्हें करना चाहिए, यही तुम्हारा धर्म है। मैं दो घरानों का झगड़ा मिटाने आया था, न कि बढ़ाने। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं भी ये शादी नहीं होने दूंगा। लेकिन इतना याद रहे रंबा जी कि भगवान की भेजी हुई देन को आज तुमने ठुकरा दिया है, एक न एक दिन जरूर पछताओगे। जो पर्दा आपने मेरी आंखों पर डाला था वो भुजबा महाराज ने आज हटा दिया। एक दुश्मन की बातों में तो पल भर में आ गया, लेकिन बाप की मोहब्बत का ख्याल तक न रहा। मोहब्बत? जिसने अपना सारा जीवन खुद गर्दी में बिताया हो वो क्या जाने मोहब्बत क्या है? क्या मैंने तेरे फायदे के लिए कुछ भी नहीं किया? आपने जो कुछ किया अपने फायदे के लिए किया, मेरे लिए कुछ नहीं। राया, अपनी हुकूमत जताने के लिए किया, मेरा सुख बढ़ाने के लिए नहीं। अपना बढ़ापन खारिज करने के लिए किया, मेरी आशा पूरी करने के लिए नहीं। तुम्हारे खानदान की इज्जत का नीलाम करना चाहता है। खानदान की इज्जत? आज मुझे मालूम हुआ कि इज्जत दौलत से नहीं मोहब्बत से खरीदी जाती है। Thank you.
मेरी सारी जिंदगी का एक ही मकसद था और वो था मेरे बेटे का सुख। आज वो सब मेरी आंखों के सामने लूट लिया गया, लेकिन ये मैं नहीं होने दूंगा। यही तो मैं कह रहा हूं सरकार। लेकिन किया क्या जाए? वो जो सोनी है ना सरकार, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। राम प्रभु की माय। अब क्या करना चाहिए? सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हारे पापा चले जाते, लेकर ब्याह कर ले। अब वो कभी ना मानेंगे। फिर अगर तुम मेरे लिए अपना घर छोड़ सकते हो तो क्या तुम ये समझते हो कि मैं यूं ही खामोश बैठी रहूंगी? तुम मेरे लिए अपना घर छोड़ोगी? हाँ राया, अब तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी ये तुम्हें सोच भी नहीं सकती। हो सकता है हमारे अंदर दुख ज्यादा और सुख कम मिले, तो मैं अपनी मोहब्बत से उन दुखों को ठहरो। ये क्या हो रहा है? ये तो राया और मधुमा लड़ रहे हैं। जल्दी चलो। Stop it, I say. Stop it at once. Raya. Inspector साहब, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो बड़ी सरकार मेरी गर्दन मरोड़ देंगे। क्या बात कहा है? साफ साफ कहो। यही तो मैं कह रहा हूँ सरकार, मैं तो बड़े सरकार के हुक्म की ताबील कर रहा था। छोटे सरकार सोनी को भगा ले जा रहे हैं। नहीं, नहीं, ये झूठ है। बदमाश, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तूने इसकी इज्जत पर हमला किया। Stop it, I say. Stop it. दिमाग से काम लो राया, मेरे साथ अपने पिताजी के पास चलो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा। मैं लड़कर घर छोड़ आया हूँ हमेशा के लिए। सुना आपने इंस्पेक्टर साहब? राया, तुम्हारे पिता इस गांव का मालिक है, मेरे साथ कह रहा हूँ। नहीं, अब मुझे उनके पास कोई नहीं ले जा सकता है। चलो सुनो राया। खून हो गया, इस पर साहब का खून हो गया। सॉरी पुलिस आ रही है। क्या हुआ? अब क्या होगा? ये क्या हुआ? छोटे सरकार ने इनको जख्मी कर दिया। मेरी फिक्र मत करो, दया को रोको, जल्दी जाओ। तुम साहब को पुलिस स्टेशन ले जाने का बंदोबस्त करो, चलो। कानून की नजरों में मैं मजबूरन मुजरिम बन चुका हूँ, आज नहीं तो कल मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। कानून तुम्हें चाहे कुछ समझे, लेकिन मेरी नजरों में तो तुम बेगुनाह हो। अब मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगी।
स्वामी, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम्हें जाना ही पड़ेगा स्वामी, सुनो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मुझे छोड़ भाई। कहा राया एक कानून से भागा हुआ मुजरिम था और पुलिस दिन रात उसकी तलाश में घूमती फिरती रही। एक दिन
ककर। मैं जुआ खेल रहा था, झगड़ा हो गया, मुझसे एक आदमी का सिर फट गया, इसमें पुलिस आ गई और मैं भागा। क्यों बेकार ऐसे लोगों में बैठते हो जहां हरदम पुलिस का सामना होने का डर हो? मैं बच्चा नहीं हूं, अपना अच्छा बुरा खुद समझता हूं। मैं एतराज थोड़ी ही कर रही हूं, सिर्फ इतना पूछती हूं कि अब आपका घर में दिल नहीं लगता? घर मेरा घर है ही कहां जो दिल लगे, इसे तुम घर कहती हो? इस काल कोठरी में मेरा दम घुटता है, मुझे चाहिए खुली हवा जहां मैं आजादी से सांस ले सकूं। आखिर तुम्हें हो क्या गया है, क्यों मुझसे नफरत होती जा रही? 10 दिन के बाद घर में कदम रखा और फिर उपदेश देना शुरू कर दिया। लाख मरतबा तुझे कहा है कि मेरा मामला तुम्हें मत बोला कर। राया हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है, हुक्म सुनने के लिए नहीं। मुझे दौलत चाहिए, पैसे चाहिए, है तेरे पास कुछ? जी। आज ही तनख्वाह मिली है, बीड़ी वाले ने 30 रुपए दिए हैं। 30 क्यों, 50 चाहिए थे? पिछले महीने तुम्हें जरूरत थी, हाथ पैर जोड़ कर 20 रुपए ले आई थी, वो उसने काट लिए। 10 रुपए तो रहने दीजिए, अनाज वाले को देने, दाल रोटी का सहारा रहेगा। मैं हलवा पूरी खाने वाला, मुझे दाल रोटी से क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जरा तो सोचिए, जो मान के लिए छोड़ दिए, अब क्या करें? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, जारी रहने। क्या हो गया है तुम्हें, क्यों इसे तंग करते हो? मैं इसे तंग करता हूं तो ले जाओ इसे सजा भी, अपने माँ बाप के पास, आनंद बाबू के पास। सोने सोने, तू क्यों नहीं मुझे संग दिलावर और बुरा समझ कर धुतकार देती? क्यों नहीं मुझे छोड़कर चली जाती? क्यों नहीं मेरे सूरत से बेजार हो जाती, नफरत करती? काश मेरे दिल की बात समझ सकती, काश कोई दूसरा रास्ता होता, तरीका होता जिससे मैं तुझे समझा सकता कि मुझे छोड़ देने में ही तेरी भलाई। ये सोनी, आखिर कब तक तुझ पर इस तरह बना हुआ जिस जुर्म और सितम की बारिश करना होगी? कब तक ये हाथ तुझ पर उठते रहेंगे? कब तक इस वक्त, कब तक? आखिर ये कहां का इंसाफ है कि मेरे पापों का फल तुम होगे? मैं ये नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं क्या करूं, अगर तुझे मेरे दिल का असल हाल मालूम होगा सोनी, तुम मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है तो मुझे छोड़कर सजल पर कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। सूट लाखों में एक, और मुझ जैसा बदनसीब भी होगा लाखों में एक। ना जाऊंगी तो खाऊंगी कहां से? इनकी हालत तो तुम जानती हो, बहुत अच्छा तुम कमाती रहो और ये उड़ाता रहे। जब जरूरत होती है तो पैसे मिल ही जाती है, क्या जरूरत है इसे काम करने की? काम करना बंद कर दो, मिजाज ठिकाने आ जाएंगे। रायना ठीक कहती है। रायना तो उसे दिन रात उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती है, मेरे खिलाफ उसे भड़काती है। सरकार, क्या बहके बहके बातें कर रहे हो? रायना, तूने मुझसे मोहब्बत की, मैंने तुझको ठुकराया,
अब तो ये चाहती है कि उसका इंतकाम मुझसे ले, मेरी इज्जत को अपनी तरह गली गली में नचा दे मेरे। सोनी, अगर तू अपने खानदान का बदला माने खानदान की इज्जत का सौदा करके लेना चाहती है तो ये ला। राया, तू भी नाम दे रहे हो मेरी मोहब्बत। मोहब्बत? अब राया तेरी बातों में आने वाला नहीं, वो खूब समझ गया है तेरी मोहब्बत को। राया, राया। मेरी बच्ची की क्या खबर लाए हो आनंद? पुलिस ने बहुत तलाश की है मगर सोने का कहीं पता नहीं लगता। न जाने मेरी बच्ची पर क्या क्या सितम गुजरते होंगे। शुक्र है तुम्हें उनका ख्याल तो आया। बताइए ना वो कैसी है? जिंदगी के दिन काट रहे हैं। सोनी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो यहाँ बड़े सुख और चैन से। ये तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है। सोनी, ये मियाँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या सच? उसने सब कुछ बता दिया? अगर मुझे जरा भी शक होता कि वो तुम पर ऐसे जुल्म करेगा तो मैं उस बदमाश को। आनंद बाबू, जो कुछ भी हो
अब मैं ये घर और उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सोनी, तुम्हारी ये बेकार जिद तुमको कहीं का ना रखे। कौन जाने कि मेरी ये बेकार जिद ही मेरा खोया हुआ सुख मुझे वापस दिलवा दे। आखिर उसमें रखा ही क्या है जो तुम उसको छोड़ना नहीं चाहती? मेरे मास्टर जी होकर भी मुझे से पूछ रहे हैं, औरत एक बार किसी की हो जाने के बाद किस तरह उसे छोड़ सकती है। आनंद बाबू बना रहे हैं भाई, इतने शरीफ और महात्मा इंसान एक शराबी और आवारा की झोंपड़ी में। सोनी, मुंह क्या दाग रही हो इनका? भगवान देखो भाई, इतने महात्मा पुरुष पधारे हैं और तुम लोगों को पढ़ने को तो नहीं कहा। सरकार अब तो बैठिए, नहीं बैठोगे? अच्छा, ये हमें बैठ गए लो। आनंद बाबू, क्या खातिर कर सकता हूँ आपकी? देखिए, इस वक्त तो मेरे पास बस ये देसी है, चीज जरा ज्यादा कड़वी है और बहुत कम लोगों को कड़वी चीज पसंद आती है, जैसे जैसे सच्ची बात। राया, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? देखो भाई आनंद बाबू, चाहिए तो गालियां दे दीजिए, दो चार भली बुरी बातें सुनाइए, कोस दीजिए, लेकिन लेकिन भगवान की समय तुम्हें लेक्चर मत शुरू कीजिए। आनंद बाबू, भैया बताइए, हम गरीबों को फिर ऐसे याद किया? मैं सोने को लेने आया हूं। सोने को लेने? समझा समझा। समझा, मैं माँ की मोहब्बत फड़क रही होगी, बाप की ममता, बाप की ममता बेचैन हो गई होगी, और मेरे आनंद बाबू है ना, फूल का सोच रहे होंगे कि कहीं मुर्दा तो नहीं गया। राया, देखो भाई आनंद बाबू, ये आनंद बाबू अपने फूल को मैंने कितना संभाल के रखा है। ऐसी बातें करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म 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 तो तुम दोनों को आना चाहिए कि मेरी पीठ के पीछे मोहब्बत का खेल करते हो। पेशानी की हद होती है क्या? इसलिए तू इसे साथ लाया था? मैं इसे अपने साथ लाया था, ये मेरे गले पड़ी थी। पूछ लीजिए इनसे। सोनी, अब तो तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। क्यों रोक गए? जबरदस्ती उठा ली जाइए, इसे तो उसकी आदत है। मैं इस बदनसीब दुखिया को जबरदस्ती साथ ले जा सकता, लेकिन मजबूर हूँ। जबरदस्ती साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन मोहब्बत कर सकते हो। लाया, क्या तुम ये समझते हो कि अपनी आंख से ये देखने के बाद मैं इस अपने घर में रहूंगा? सोनी, आज से तू आजाद है। मैं अपने आप को तुझसे इतने दूर ले जाऊंगा कि तेरे मरहूस कदम मेरे पास कभी ना आ सके। ऐसी बातें सुनाने से तो अच्छा है तुमने गला घोट दो। ये नाटक अब मुझे नहीं सुनना। बदमाश 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 क्यों ये अपनी जिंदगी उसके लिए खराब कर रही है? मैं तो इसे समझाते समझाते थक गई, इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया। आनंद बाबू, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप इसको यहाँ से ले जाइए। देख बहन,
अब हमारा यहाँ गुजारा नहीं होता, इसलिए हम आकाशगढ़ जा रहे हैं। फिर तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? आनंद बाबू, मैं सजलपुर जाऊंगी। वालम हो मुझे दगा दे गया, मेरी
आपका की नींद ले गया बेदर्दी का लम्बू जगा दे गया जब जब तेरा ध्यान साजनों करूँ मैं छुप छुप दुनिया से आहे भरूँ मैं आप गया मेरा चैन ले गया मेरा चैन ले गया मुझे जगा दे गया मेरी आँखों की नींद ले गया बेदर्दी वाला मुझे जगा दे गया बिरहा की लंबी रातें हमको सताएंगे दे हमको सताएंगे तेरे जपाए पिया हमें याद आएंगे और हमें याद आएंगे दुख देके कोई मेरा चैन ले गया मेरा चैन ले गया मुझे जगा दे गया मेरी आँखों की नींद ले गया बेदर्दी वालों हम जो दिया है तुमने कैसे सहेंगे रो रो के पल में हम तो सहेंगे आप गया मेरा चैन ले गया मेरा चैन ले गया मुझे जगा दे गया मेरी आँखों की नींद ले गया बेदर्दी वाला मुझे जगा दे गया मेरी आँखों की नींद ले गया बेदर्दी वाला मुझे जगा दे गया मैं सोने को जितना भूल जाना चाहता हूँ वो आज मेरे करीब आती जाती है तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं चले जाते उसके पास अब मेरे दूर रहने में ही उसकी भलाई है रायना मुझे तेरा सहारा चाहिए सरकार हाँ रायना तेरी मोहब्बत में खोकर मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ रायना नहीं नहीं आप एक औरत के दिल की हालत को नहीं समझ सकते अगर तू ऐसे नहीं मानेगी तो मैं हमेशा के लिए तुझे उन्हें जाने दो रायना ये क्या बचपन है जिसने तुमको हाथ उठाया उसे जाने दे उसको इस खून की कीमत अपने खून से देनी होगी नहीं तुम मेरा ये जख्म तो देख सकते हो लेकिन जो जख्म उस बेचारे के दिल में नासुर बनकर रह गया है वो तुम्हें नजर नहीं आ सकता मुझे दौलत चाहिए पैसे चाहिए है तेरे पास कुछ मुझे दौलत चाहिए पैसे चाहिए है तेरे पास कुछ है तेरे पास कुछ है तेरे पास कुछ सुनी अगर तू अपने खानदान का बदला माने खानदान की इज्जत का सौदा करके लेना चाहती है तो ये राया शर्म मुझे शर्माना चाहिए शर्म तो तुझे आना चाहिए तुझे बेहया बेशर्म ये नाटक अब मुझे नहीं सुनना
मेरी सोनी। मुझे यकीन था तुम एक रोज जरूर आओगे। सोनी, अब मैं तुम्हें कहीं ना जाने दूंगी। मैं चाहती थी तुम अपनी सोनी को कभी ना भुला सकोगे। शरम हो जाओ, पिस्तौल फेंक दो और शीश बेकार है। जब तक राया जिंदा है उसकी कोई कोशिश बेकार नहीं जा सकती। सुब्रीडेंट साहब, सुब्रीडेंट साहब, ये क्या हो रहा है? सोनी तुम चलो मेरे साथ। क्या तुम नहीं क्या क्या तुम्हें जाएगा। एक बार
बनी जा रहा हूं, है किसी की हिम्मत? जो कोई मेरा रास्ते में आएगा मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं आ रहा हूं।